सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं बाइसाइकिल रिव्यू वीडियोस भी बनाने लग गया हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इंडियन ब्रांड का रिव्यू दिया था, तो सेम आज हमारे पास एक और इंडियन ब्रांड है जिसका नाम है काया स्प्लिट। तो चलो अब इसके फीचर्स के ऊपर आते हैं। काया स्प्लिट कम्स विद 18.5 इंच स्टील फ्रेम। स्टील फ्रेम होने का एडवांटेज होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एक एल्यूमिनियम अलॉय के फ्रेम से काफी ज्यादा होती है। स्टील के होने की वजह से इसका वेट वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर हो जाता है, बट इसकी जो लाइफ होती है वो एक अलॉय फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा होती है। बात करते हैं इसके पेंट जॉब की। तो काया में आपको मिलते हैं 3 लेयर कोटेड पेंट, जिसमें आपको मिलते हैं वाटर डिकैल्स। तो जितना भी आपको इसके फ्रेम के ऊपर ये ग्राफिक्स दिख रहा है, ये पूरा पेंट है, ये स्टिकर्स नहीं है। एंड कंपनी ये भी दावा करती है कि इसका जो फ्रेम है उसमें 2 साल तक आपको कोई भी रस्ट फॉर्मिंग नहीं दिखेगी, और इसका जो कलर है वो भी 2 साल तक बिल्कुल भी फेड नहीं होगा। काया स्प्लिट कम्स विद 2 कलर, एक है येलो रेड जो कि हमारे सामने है, एंड एक है ग्रीन एंड ब्लू। जो इस बाइक की मेन स्पेशलिटी है वो है इसका कलर। काया का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मोस्टली हाई ब्रांड साइकिलों में देखा जाता है। तो बात हो गई इसके फ्रेम्स की, अब आते हैं इसके व्हील्स के ऊपर। तो काया स्प्लिट में आपको मिलते हैं 27x2.80 के वाइड टायर्स। ये दिखने में फैट टायर्स की तरह लगते हैं, बट जनरली एक वाइड टायर्स है, एंड पर्सनली मैं इसे सेमी फैट टायर कहूँगा। इसके वाइड होने से इसका ये एडवांटेज रहता है कि ऑफ रोड और ट्रेल्स में इसमें आपको अच्छी ग्रिप मिल जाती है, एंड जो मडी टेरेन्स होते हैं उसमें भी आपको टायर काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। ओवरऑल ये टायर जो होते हैं फ्लैट रोड में डिसेंट परफॉर्मेंस तो देते हैं, बट मडी एंड ऑफ रोड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। नाउ कमिंग टू द हैंडल बार्स ऑफ दिस बाइक, कायम आपको मिलते हैं 740mm के वाइड हैंडल बार। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाइड हैंडल बार्स का एडवांटेज ये होता है कि आप ऑफ रोड में इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ इसके हैंडल बार्स में आपको मिलते हैं पाम रेस्ट ग्रिप, यानी कि अगर आप डाउनहिल एंड लॉन्ग राइड्स करते हो तो आपके हाथों को इसमें कंफर्ट मिलता है। तो इसके हैंडल बार में आपको मिलता है अलॉय का स्टेम एंड अलॉय का हेडसेट, एंड इसके हेडसेट्स में आपको मिल जाते हैं स्पेसर्स, यानी आप इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ अ बाइक विच इज ड्राइव ट्रेन, काया में आपको मिलता है 3x7 का ग्रुप सेट, जिसमें फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको मिलते हैं माइक्रोशिफ्ट के डिरेलियर्स। काया में आपको मिलता है फोर्स 1 का क्रैंक, एंड उसमें लगे हैं आपके एल्यूमिनियम अलॉय के वाइड पेडल्स। तो इसके पेडल्स में आपको छोटे छोटे स्पाइक्स मिल जाते हैं जो आपके शूज को एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। काया में आपको मिलता है सनरन का 7-speed फ्री व्हील। का जो रियर डिरेलियर है उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी कि अगर आपकी साइकिल कभी गिरती है तो इसका जो प्रोटेक्टर है वो आपके डिरेलियर को डैमेज होने से बचाता है। तो अब आते हैं हम इसके शिफ्टर्स के ऊपर। तो काया में मिलता है आपको 3x7 के माइक्रोशिफ्ट के शिफ्टर्स, एंड इसकी शिफ्टिंग की बात करें तो इसका जो शिफ्टिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी डिसेंट है। माइक्रोशिफ्ट और शिमानो के शिफ्टर्स में बस ये डिफरेंस होता है कि शिमानो के शिफ्टर्स में आप अलग से डिस्क ब्रेक नहीं इंस्टॉल कर सकते, उसके लिए आपको पूरा शिफ्टर ही चेंज करना होगा। बट इन द केस ऑफ माइक्रोशिफ्ट इसमें सिर्फ शिफ्टर ही शिफ्टर आता है, इसमें आपको ब्रेक्स नहीं आते, यानी कि इन फ्यूचर आप इसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। तो बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इसमें मिलते हैं आपको ट्रियो ब्लेड के मैकेनिकल डबल डिस्क ब्रेक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बाइक है ये ऑफ रोड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तो ऑफ रोड के लिए साइकिल को ज़रूरत होती है अच्छे सस्पेंशन की। तो बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, काया में आपको मिलता है काया का ही सस्पेंशन, जिसमें आपको मिलता है 80mm का ट्रैवल। बात करें अगर इसके सस्पेंशन की परफॉर्मेंस की तो वो भी काफ़ी डिसेंट है। बात करें इसके सैडल की, तो काया में आपको मिलते हैं काया के ही वाइट सैडल, जिसका कलर जो है वो उसके फ्रेम से ही मैच करके बनाया गया है, जिससे जो ओवरऑल बाइक का लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ओवरऑल अगर इस बाइक की बात करें तो ये फ्लैट रोड में तो डिसेंट परफॉर्मेंस देती है, बट साथ ही साथ ये आपको ऑफ रोड और ट्रेल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है बिकॉज ऑफ द वाइड टायर्स ऑफ दिस बाइक। सो गाइस, ये था काया का ओवरऑल रिव्यू। काया 27.5 एंड 29 व्हील साइज दोनों में अवेलेबल है।
सो ओवरऑल दिस बाइक इज अ गुड परचेज एंड एक इंडियन ब्रांड है एंड इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका कलर कॉम्बिनेशन। तो अगर आप इस साइकिल को लेकर सड़क पर उतरते हो तो लोग जरूर पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे। सो गाइस अगर आप इस बाइक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, इस ब्रांड के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो यू कैन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन, वहां पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एंड मेरा स्टोर का लोकेशन डाल दूंगा, तो यू कैन विजिट एनी टाइम। दिस बाइक इज अवेलेबल इन माई स्टोर विच इज लोकेटेड इन देहरादून मालदेवता। एंड हाँ, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो गाइस, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू एंड जो अगला वीडियो होगा वो एक ब्लॉग होगा। तो फाइनली काफी टाइम बाद मैं निकल चुका हूँ बाइक पैकिंग टूर के लिए। तो टिल देन, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल भंडारी दी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, इस शूट को पूरा करने में मेरी हेल्प की है हरिंदर जी ने। हरिंदर, यहाँ देख, इधर देख। एंड इस लोकेशन पे शूट किया है। वैसे ये वीडियो जो हमने पहले भी शूट किया था एक और लोकेशन में, बट वो थोड़ा ब्लर आ गया था, तो आज लेंस भी चेंज किया है एंड लोकेशन भी चेंज किया है। एंड वो हमारी साइकिल खड़ी, ये है खलंगा का जंगल।